पास कोई भी एक वायर है, इस ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा हमने कैसे बना लिया। हमने कहा कि इसमें कोई छोटा सा, हमने ना लेंथ छोटा सा टुकड़ा ले लिया, जो छोटा सा टुकड़ा उसकी लेंथ को हमने क्या बोला, डी एल। डी एल अच्छा, और करंट ऐसे जा रहा है आई, और हमने कोई एक पॉइंट ले लिया पी। तो यहाँ से पहले तो पी को कनेक्ट करेंगे और ये देखेंगे हम इस पॉइंट पी पर इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैं इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वहाँ तक की दूरी तो देखेंगे, पहले डिस्टेंस को देखेंगे, डिस्टेंस कितना हो गया आर। तो डिस्टेंस इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसको, तो ये हो गया आर वेक्टर, ठीक। अच्छा, ये आर वेक्टर हो गया। अब आप ये देखिएगा कि जैसे करंट इस तरीके से जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो हमने करंट कैरिंग वायर का मतलब आप सोचिए कि आपने ऐसा पकड़ लिया, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो ऐसे इंसर्कल कर रही है, इस तरह से घूम रही है। तो यानी कि पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये फिंगर्स का जो इंसर्कलमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, इन टू द पेज होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे सर्कल बनाकर क्रॉस बना देते हैं। क्रॉस का मतलब है इन टू द पेज, और अगर डॉट बनाएंगे डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, ठीक है, डायरेक्शन दिखाने का तरीका होता है। हमने यहाँ पर क्रॉस इसलिए बना दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे कि ये जो है इसके वायर के इस ये वाला जो हिस्सा है, जरा सा जो हमने छोटा सा लेंथ लिया डी एल, इसके और डिस्टेंस वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, मैंने वर्टिकल एक्सिस बना लिया, जो एंगल बन रहा है वो एंगल कहलाता है थीटा। तो हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि ये जो डी बी है, बायट सावर्ट ने ये ऑब्जर्व करा था कि डी बी जो है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डी बी इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डी एल के डी बी जो है वो साइन थीटा, डी बी मतलब डी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डी बी जो है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डी बी जो है वो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो जो ये डी बी है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर अगर मैं इक्वालिटी साइन लगाऊंगा तो कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसके एक दो हमने स्पेशल केसेस देखे थे, ये हमने करा था। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 7, और ये जो डी बी है मैग्नेटिक फील्ड इसको कहते हैं, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है टेस्ला, ऐसा यूनिट इज टेस्ला, TESLA, ठीक। ये वही इलॉन मस्क वाला टेस्ला, वही है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में इतना करा, बस बायट सावर्ट वाला। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 4 पर आप आ जाइए। नोट्स में रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। म्यू नॉट क्या होता है कि जब भी कभी हम ये कहते हैं कि किसी भी डिवाइस को वो या मैग्नेटिक मटेरियल को, अगर मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में आ सकता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हम कि वो उसकी परमीएबिलिटी है। परमीएबिलिटी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ने उस चीज़ को उस मैग्नेटिक फील्ड में आने की परमिशन दे दी। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर के चारों तरफ जो है एक काफ़ी बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो आपने नोटिस भी करा होगा, कॉशन भी लिखा रहता है वहाँ पर कि ट्रांसफार्मर के आसपास कोई भी अपनी व्हीकल भी पार्क नहीं करता, ठीक है। तो व्हीकल भी वहाँ पर पार्क नहीं करे जाते, व्हीकल्स में भी बैटरी होती है, उसको स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, हालांकि वो बोनट से पूरी तरह से कवर्ड होता है, लेकिन फिर भी रिस्क ना लेते हुए कोई भी अपनी गाड़ी तक वहाँ पर पार्क नहीं करता है। दूसरा, ह्यूमन बीइंग्स तो वहाँ जाएंगे ही नहीं क्योंकि हम भी कंडक्टर हैं, तो वहाँ पर किस किस चीज़ को परमिशन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने की, इंसुलेटर्स, ठीक है, कोई प्लास्टिक का बॉक्स डाल दो वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसका कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर असर ही नहीं डालेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी, परमिशन कि किस किस चीज़ को परमिशन है, तो परमिटिविटी की वैल्यू होती है कि भाई किसकी कितनी परमिटिविटी है। ज़्यादा परमिटिविटी की वैल्यू है तो ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं, परमिटिविटी कम है तो आप कम चीज़ें डाल सकते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर उसको अलग करने के लिए कि भाई अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो परमिटिविटी ना बोलकर उसको परमिएबिलिटी बोला गया, ठीक है।
ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड में अच्छा दोनों में दूसरा बेसिक अंतर क्या है, आप परमिटिविटी जान ले लेती है ठीक है, लेकिन परमिएबिलिटी जान नहीं लेती है। आप अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड में चले जाएँ तो आपको मतलब जान पर खतरा नहीं है। इसी वजह से आपने देखा होगा ना कि वो बड़ी सी मशीन होती है MRI वाली, उसमें पूरे इंसान को ही अंदर डाल देते हैं। MRI जो होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है वो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है बॉडी में, मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से सेफ है बॉडी के लिए, हार्मफुल नहीं है। इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड कुछ टिश्यूज़ को रिपेयर ही करता है लेकिन नुकसान नहीं पहुँचाता। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ आ सकती है उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर परमिएबिलिटी, वहाँ परमिटिविटी होती थी एप्सिलॉन नॉट, यहाँ परमिएबिलिटी है म्यू नॉट, ठीक। आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट है परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, एंड सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, 3×10⁸, ठीक है। तो जरा रिलेशन देखना, बड़ा बढ़िया रिलेशन है इनके बीच में। हमने ये देखा था कि रिलेशन देखना होगा, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी, इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। तो हम ये जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट लिख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसके बाद आप ये देखिएगा, ठीक है जी, ये हो गया। तो ये सी की वैल्यू आ गई, तो ये रिलेशन हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी के बीच, ठीक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 5 पर हम आ गए हैं। एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, देखिए अगर कहीं पर भी डेल्टा एल लिखा हुआ है तो समझ जाना डीएल है, डीएल बोलो या डेल्टा एल बोलो एक ही बात है।
जो क्वेश्चन है, एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज द लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पीयर। ठीक है, तो इधर मैं ऐसे कर देता हूँ कि ये हो गया छोटा सा ही बना दूँ ये कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस और इधर फ्रंट में मैंने बना दिया जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब कोई वायर है वो कहाँ पर रखा हुआ है, वो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन पर रखा हुआ है। ठीक है, और उसमें जो करंट है वो 10 एम्पीयर है, उसमें करंट 10 एम्पीयर है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर 0.5 मीटर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल यानी कि डी एल, जरा देख लो डी एल मैंने कहाँ पर लिखा था, करंट एलिमेंट का मतलब होता है एक वायर, एक वायर। ठीक है, जैसे ये वायर जा रही है ना, तो इस वायर को ही मैं करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट का मतलब क्या है, आपने एक एलिमेंटल सा टुकड़ा मतलब एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, तो दैट डी एल इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें से ही आपने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। तो अब क्या है, अब वो उन्होंने एक चीज़ मेरे को ना समझाई है, उन्होंने कहा कि डेल्टा एल को बोला है डेल्टा एक्स आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप बताइए क्या होता है। हाँ हाँ, डायरेक्शन होती है, कहाँ एक्स एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड डायरेक्शन अगर मेरे को दिखानी है तो मैं आई कैप से मल्टीप्लाई करूँगा। एक्चुअली आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर जिसको मैग्नीट्यूड यूनिटी हो यानी कि वन हो, तो उस वेक्टर से अगर मैं किसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो सिर्फ डायरेक्शन उसको दे रहा है, बाकी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वन है, वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, मतलब वो जो वायर है एक्स एक्सिस के अराउंड पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ गए, जो वायर है वो एक्स एक्सिस के अराउंड पड़ा हुआ है। मैंने ऐसे कर दिया, ये वायर है मैं लिख रहा हूँ इसको, इस डॉटेड लाइन मींस वायर व्हिच इज लाइन अलोंग एक्स एक्सिस बिकॉज डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। आई कैप की जगह ऐसे हम सर्कल कर लेते हैं, आई कैप से ही समझ में आ रहा है कि वो वाई एक्सिस के अराउंड पड़ा हुआ है। ठीक है, पहली चीज तो ये, अच्छा डेल्टा एक्स आई कैप लिखा हुआ है भाई, माइनस डेल्टा एक्स आई कैप तो नहीं लिखा हुआ। अगर माइनस आई कैप लिखा हुआ होता तो माइनस आई कैप का मतलब ये है कि करंट ऐसे जा रहा है इस तरह, डेल्टा एक्स आई कैप लिखा हुआ है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ही करंट जा रहा है। कितना करंट है, 10 एम्पीयर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू 10 एम्पीयर। अभी डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ऐसे करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज आएगा, बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ मतलब मैं ऐसे बनाकर दिखाऊंगा, सर्कल बनाकर डॉट लगाऊंगा नीचे। ठीक है, आता हूँ क्या करूँ उसको, अब जरा देखिएगा क्या बोल रहे हैं। एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पीयर। तो भाई पहले यहाँ पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू 10 एम्पीयर हो गया पहली चीज। दूसरा देखेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। 0.5 मीटर मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पर निकाला जाता है वो पॉइंट तक का डिस्टेंस करंट एलिमेंट से, करंट एलिमेंट क्या है डी एल, डी एल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर, उसी को तो आर बोलते हैं। वो आर कितना दे रखा है 0.5 मीटर। फाइंड द व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस मतलब मेरे को वाई एक्सिस पर जाना है कितनी दूरी तक, 0.5 मीटर। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0.5 मीटर और ये मेरे लिए आर वेक्टर हो गया। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ आर वेक्टर हो गया ऊपर की तरफ डायरेक्शन ये वाला। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है थी। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास जो आर है वो हो गया, अगर आर लिखेंगे तो 0.5 मीटर, लेकिन अगर आर वेक्टर लिखना है तो क्या लिखूंगा 0.5 क्या जे कैप, और 0.5 जे कैप।
ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये जो डी एल है इस डी एल की भी तो कुछ वैल्यू होगी जरा सी। तो डी एल क्या है, एक्चुअली डी एल ही डी एक्स के बराबर है, ठीक। तो वो कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। इतने को बोल दिया हमने डी एल, डी एल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डी एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर लिखेंगे, यहाँ पर मीटर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 1/100 यानी कि 0.01 मीटर, भाई ऐसा ही मतलब तो रखेंगे ना। आई आ गया, डी एल आ गया, साइन थीटा, थीटा बताओगे करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है, करंट एलिमेंट यानी कि करंट का वायर ऐसे पड़ा हुआ है आर वेक्टर, ये तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और क्या चाहिए, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया था, ये तो चाहिए था, सारी चीज़ें मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गया मेरे पास, वही तो पूछा इन्होंने, ठीक है। अच्छा लेकिन डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए, तो डायरेक्शन तो पता है, डायरेक्शन तो मुझे पता है, आप खुद ही बताएंगे ये करंट कैसे जा रहा है। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो, चलो डी बी इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया डी बी इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करिए, यहाँ वेक्टर का साइन लगाओ, वेक्टर का साइन लगाया तो यार ये तो वेक्टर नजर नहीं आ रहा मेरे को, क्या करोगे यहाँ पर, कैसे लिखा आपने के क्या यार, करंट ये जा रहा है तो करंट कैरिंग वायर को मैंने अज्यूम करा कि मैंने इस तरह से पकड़ा कि मेरा थंब इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरी जो फिंगर है वो ऐसे एनसर्कल कर रही है, ऐसे एनसर्कल कर रही है, तो मुझे इस पॉइंट पर देखना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो ऐसे तो फिंगर यू एनसर्कल कर रही है, पूरा लूप बना रही है, लेकिन इस पॉइंट पर वो बाहर आता हुआ होगा, ठीक है भाई, ऐसे लूप बना रहा है तो ऐसे पीछे से लूप बनाता हुआ आएगा, तो यहाँ पर तो वो बाहर आता हुआ होगा, तो यहाँ पर बाहर आता हुआ होगा, बाहर आता हुआ क्या है एक्सेस, अगर अंदर जाता हुआ होता तो मैं माइनस के कैप लिखता, वो बाहर आ रहा है यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सेस, तो इसलिए के कैप, क्लियर है, इसलिए हमने यहाँ पर के कैप लिख दिया। वैल्यू इज ज़्यादा आंसर नहीं करूँगा, आई कितना है 10 एम्पीयर, ऐसा यूनिट है, ठीक है। अच्छा डी एल कितना है, 0.01 साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब आर में मेरे को जे कैप का कुछ नहीं करना, 0.5 लेना है, क्योंकि आर का स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है, तो जब लोग मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे तो केवल आर ही लेना है यानी कि 0.5 लेना है, तो ये हो गया 0.5 का स्क्वायर, और के कैप यहाँ पर, ठीक है। अब इधर चल रहा हूँ, इधर दिख रहा हूँ, स्क्वायर आगे देखिएगा, ये मेरे पास हो गया पॉइंट गया तो नीचे आया 100 आया, तो भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर ये भी 1, ये भी 1, साइन 90 वो भी 1, तो 1 अपॉन 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया 0.25। पॉइंट गया तो ऊपर कितना आ गया 100, 25 फोर 100, ठीक है। और बचा ही क्या नीचे 10 बचा है, तो 4 × 10⁻¹ लिख दो या 0.4 लिख दो। आंसर में देखिए मैंने कुछ गलत करा है इसमें, देखिए μ0/4π ले लो, ये लिखिएगा μ0/4π क्या होता है 10⁻¹, ठीक है। 10⁻¹ ऊपर है ही, और ये 10 ऊपर आ जाएगा, लेकिन गड़बड़ तो अभी भी हो रही है, इन्होंने आंसर क्या दे रखा 10⁻¹, अच्छा देखिए 10⁻¹ तो 4 × 10⁻¹⁸ टेस्ला, ठीक है। और हमने के कैप लगाया है, इन्होंने उसको साथ में लिख दिया इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, एक ही बात है, आप के कैप लिख दीजिए साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए अंदर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, एक ही बात है, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यस सर, ठीक है। चलिए जी अब मैं आगे चलता हूँ, जरा ये देखिएगा, अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक,
magnetic field due to a long straight current carrying conductor. Due to a long straight current carrying conductor. तो ये हमको निकालना है, magnetic field निकालना है इसे. Long straight current carrying conductor का मतलब है कि एक वायर है, ठीक है, और स्ट्रेट है. और लॉन्ग का मतलब ये है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है. बहुत मतलब जहाँ पर भी कहीं लॉन्ग वायर की बात हो तो समझ जाना इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात हो. इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे हमने निकाला था इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकाला. प्रोसीजर भी आप देखेंगे तो मोर ऑर लेस सेम ही है. अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत जल्दी निपटेगा. देखिएगा ज़रा क्या है. इन्होंने सबसे पहले ये कहा, कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई वी विश टू डिटरमिन इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी हूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज स्मॉल ए, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल ए. ठीक है, मैं इसका ये डायग्राम बना रहा हूँ. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. इसको एक्स बोल दिया और ऊपर वाले हिस्से को वाई बोल दिया. ठीक है, और हमने कहा कि करंट फ्लो कर रहा है इसमें नीचे से ऊपर की तरफ आई. अब हम एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं. करंट इधर फ्लो कर रहा है तो जब भी कभी कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो वो अपने आस पास इधर उधर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अच्छा ये चीज़ जो है कि आपने मैग्नेटिज्म वाला एक चैप्टर था 10th क्लास में, उसमें आपने देखा भी होगा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसके पास अगर हमने कोई मैग्नेटिक कंपास रख दिया ना तो उसके नीडल में डिफ्लेक्शन शो होने लगता है. और डिफ्लेक्शन शो कब हो रहा है, जब करंट फ्लो कर रहा है तभी आपने स्विच ऑफ करा ताकि करंट ना जाए वायर के अंदर, करंट फ्लो ना करे तो वो जो डिफ्लेक्शन है वो बंद हो जाता है. तो इससे ये समझ में आता है कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आजू बाजू में इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. तो हमने ये कहा कि अच्छा पॉइंट पी ये हो गया, यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ. हमने ये कहा कि अच्छा पॉइंट पी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की प्रॉब्लम. ठीक है, तो हमने क्या करा, पॉइंट पी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसको बोल दिया पी क्यू. इस पॉइंट को बोल दिया पी क्यू. ठीक है, अच्छा और डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल ए. ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया. किसी भी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, पहली चीज़ तो ये. लेकिन हम ये कहेंगे कि नहीं, मेरे को तो छोटा सा टुकड़ा देना होता है करंट एलिमेंट डीएल, जैसा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर लिया ये डीएल, जैसे बायट सावर्ट लॉ में लिया डीएल, तो डीएल लो यहाँ पर ठीक कर लेते हैं. तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर डीएल ले लिया ऐसे ऐसे, छोटा सा टुकड़ा ले लिया डीएल. ठीक, अच्छा अब डीएल वेक्टर बोला, डीएल वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेंथ जो है जिस लेंथ के अलॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है वो वेक्टर का मतलब ये है कि भाई जहाँ करंट फ्लो कर रहा है लेंथ की डायरेक्शन वही लेंगे. ठीक है, जहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है लेंथ की डायरेक्शन हम वही लेंगे, तो ये इसकी डायरेक्शन ये हो गई ऊपर की तरफ. अच्छा इसके बाद हमने कहा कि तो जो डीएल है ना, डीएल से तो पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालते हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है. तो डीएल तो नहीं, तो डीएल की कुछ तो लेंथ होगी, तो डीएल के सेंटर से निकलता है. डीएल के सेंटर से जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस निकाला जाता है तो उसके सेंटर ऑफ मास से निकाला जाता है. तो डीएल है, डीएल की कुछ भी लेंथ है एक सेंटीमीटर है तो आधे सेंटीमीटर से रहा, यानी कि उसके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालेंगे. एंड दिस डिस्टेंस वेक्टर इज कॉल्ड आर वेक्टर, आर वेक्टर हो गया. ठीक है, अच्छा तो डीएल के साथ आर वेक्टर जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा. इसको एंगल दिया थीटा. ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है डीएल का सेंट्रल पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया ओ, ओरिजिन. जैसे ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ऐसे इस पॉइंट पर पॉइंट ओ हो गया. उसके बाद हम ये कहेंगे कि चलिए इतना तो ठीक है,
अब ये कहेंगे कि जो ये जुड़ा है ना, जो ये वेक्टर है, ये इधर इस पी क्यू के साथ में जो एंगल बना रहा है, उस एंगल को हमने मान लिया फाइव, इस एंगल को हमने फाइव मान लिया। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? हमने एक नया काम बस इतना करा है, हमने सिर्फ यहाँ पर ये जो पी क्यू है, हमने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और उस लेंथ को हमने ए बोल दिया, बस हमने इतना करा। बाकी सब कुछ बिल्कुल बाइट सर्वर ड्रॉपी कर रही है। डी एल लेना है, डी एल से इसको पॉइंट पी को ज्वाइन करना है, डी एल और पॉइंट पी के बीच में जो डिस्टेंस वेक्टर है इसके बीच का एंगल थीटा है, बस इतना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, कंसिडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल वेक्टर ऑफ द कंडक्टर एट ओ, ओ यानी कि ये वाला पॉइंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम क्यू इज एल, तो क्यू से इसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको आप एल बोल दीजिए। The dot vector is the position vector of a point P related to the current element at theta with the angle between dl vector and r vector as shown. dl vector, ये और r vector दोनों के बीच का एंगल है, उसको हमने theta ले लिया। According to Myers-Stewart law, dB is equal to mu naught upon 4 pi. अब आपको क्या करना है कि जो L की वैल्यू आई है इसको दोनों तरफ
इस एल की वैल्यू को दोनों तरफ आप फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू फाई। के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना होता है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ d/dx लगा देते हैं। अब फाई के रिस्पेक्ट में करना है तो दोनों तरफ d/dy लगा देते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा मेरे पास d/dy ऑफ l इज इक्वल टू d/dy ऑफ a tan phi। ये तो कांस्टेंट है, ये हो गया dl/dy as it is, और tan phi का differential, tan x का differential क्या होता है बताओ जरा? sec square x। इसी तरह से tan phi, phi के respect में कर रहे हैं तो sec square phi, ठीक है? तो ये हो जाएगा sec square phi। अब इस d phi को उधर ले जाओ, तो dl is equal to क्या हो जाएगा? a sec square phi d phi, ठीक है? इसको बोलिए equation number 4। dl की वैल्यू phi के रिस्पेक्ट में phi के टर्म्स में निकाल ली, sin theta की वैल्यू भी phi के टर्म्स में निकाल ली, r की वैल्यू भी phi के टर्म्स में निकाल ली, ठीक है? अब आगे चलते हैं, इतना हो गया। putting the values from equation 2, 3 and 4 in equation number 1, इसको बोला equation number 1। ये जो सारी वैल्यूज हैं तो equation number 1 में आप substitute कर दीजिए, ठीक है? तो equation number 1 क्या बन जाएगी, dv is equal to mu naught और 4 pi, करंट i तो कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे ही रहने दिया। dl की जगह लिखेंगे a sec square phi d phi, sin theta की जगह लिखेंगे cos phi, ठीक है? अपॉन r square की जगह लिखेंगे a sec phi का square, और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, dv is equal to mu naught upon 4 pi i into a sec square phi d phi cos phi upon a का square a square, और ये हो गया sec square phi, sec square phi से sec square phi गया, एक a से एक a गया, तो इसको हम लिखेंगे mu naught i upon 4 pi a, dv is equal to mu naught i upon 4 pi a, और क्या बचा न्यूमरेटर में, cos phi d phi, cos phi और फिर लिखेंगे d phi, ठीक है जी? इतना हो गया। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं कि हमारा जो वायर है वो वायर इतना सा नहीं है, हमारा वायर तो बहुत बड़ा है, ठीक है? तो हमने ये कहा कि अच्छा चलो, तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट x है, x से बी को ज्वाइन करिए, तो जब x से बी को ज्वाइन करा तो जो भी डिस्टेंस वेक्टर बनेगा वो इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, हमने कहा भाई फाइबर बना रहा है, ठीक है? अच्छा, और इसका वायर का स्टार्टिंग पॉइंट x है और एंडिंग पॉइंट क्या है y, तो y से भी बी को ज्वाइन करिए, और ये जो है ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, वैसे इसने फाइबर बनाया, ये कितना बना रहा है, इसको हमने बोल दिया फाइव टू बोल दिया, ठीक है? तो इनिशियल एंगल जैसे dl का हमने जो ये वाला फाइ एंगल लिया है वो बना किसके साथ रहे, हमने एक कॉमन रेफरेंस लाइन बना ली, वो बना ली PQ, तो हमने इसके साथ ही ये बीच वाला एंगल लिया था फाइ, ये इतना एंगल हमने फाइ लिया था, ठीक है? अब हम ये कह रहे हैं कि ये तो dl के लिए लिया था ना, तो dl के लिए लिया था, अब मेरा dl इतना सा नहीं रहने वाला, अब ये इतना बड़ा होने वाला, अब ये लेंथ इतनी बड़ी है, तो लेंथ जब इतनी बड़ी है तो आप टोटल एंगल बताओ, तो टोटल एंगल हमारा फाइव वन से स्टार्ट होकर फाइव टू तक जा रहा है, यानी कि हमारा इनिशियल एंगल फाइव वन रहेगा और फाइनल एंगल फाइव टू तक जाएगा, ठीक है? इनिशियल और फाइनल की क्यों बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेट करने वाला हूँ, इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे लोअर लिमिट चाहिए और अपर लिमिट चाहिए, समझ गए मेरी बात, ठीक है? अच्छा, तो अब हम ये कहेंगे सो द टोटल फील्ड बी वेक्टर एट पॉइंट पी ड्यू टू द एंटायर कंडक्टर इज ऑब्टेन बाई इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन विद इन द लिमिट्स -5(1) and -5(2), क्योंकि -5(1) पर भी आता हूँ अभी, -5(1) and -5(2), ठीक?
तो हम ऐसे लिखेंगे कि बी निकालना है हमको, तो बी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, ठीक है। अगर वो मल्टी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है तो डी बी का इंटीग्रल बी होगा, तो फाइनल मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट जो करेंगे तो लिमिट्स होनी चाहिए माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू, ये लिमिट होगी। अब आपकी मर्जी है, आप उसको माइनस फाइव टू बोलो, इसको प्लस फाइव वन बोलो, या नीचे वाले को माइनस फाइव वन, ऊपर वाले को प्लस फाइव टू बोलो, वो एक ही बात है। है क्या चक्कर कि जब हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं, अगर मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया फाइव टू को, ठीक है, यहाँ से एंगल मेज़र कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मैं ये अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ एंगल मेज़र करने के लिए, तो मैं उसको नेगेटिव लूँगा। आपको पता भी है कि अगर मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेता हूँ, और अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे होता है, तो माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू इस वजह से हुआ है, ठीक है। कॉमन रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला लेंथ पी क्यू, जिससे हम एंगल बना रहे हैं। अब आपको वैल्यूज डालनी है, तो वैल्यूज देखिए, डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू यू नॉट आई अपॉन फोर आई ए कॉस फाइव इंटू डी फाइव, ये हो गया यू नॉट आई अपॉन फोर बाई ए, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेंगे इसको, बताइए भाई cos phi का इंटीग्रल क्या होता है, sin phi या माइनस sin phi, sin phi ये पक्का, इसमें कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो कि cos cos थीटा का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस sin थीटा होता है, लेकिन cos थीटा का इंटीग्रल प्लस का sin phi, sin थीटा ही होगा, तो cos phi है तो प्लस का sin phi, b is equal to mu naught pi upon 4 pi a, और ये क्या हो गया साइन फाइव, ठीक है, लोअर लिमिट माइनस फाइव वन एंड अपर लिमिट इज प्लस का फाइव, ये हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जब फाइव है ना वेरिएबल, तो पहले इसकी जगह फाइव टू डाल देंगे, फिर इसकी जगह माइनस फाइव वन डाल देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, ये भी डाल होगा सर, इसकी जरूरत पड़ेगी, इधर वाला मिटा दो, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन हो गया। आप देखेंगे पेज नंबर सेवन पर आए हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर बाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए जी, अब जरा इसके स्पेशल केसेस देखेंगे। फर्स्ट केस देखिएगा, इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड द पॉइंट बी लाइज नियर द मिडल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। पॉइंट बी जो है ना, अगर ये जो वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग है और जो पॉइंट पी है ये कंडक्टर के मिड में लाई कर रहा है, मिड में लाई कर रहा है, तो मिड में जब ये लाई करेगा तो हम ये कहेंगे कि फाइव वन और फाइव टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग। भाई ये थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, वाई मतलब वाई पॉइंट है, इसको थोड़ा सा दूर बढ़ा दो, दूर बढ़ाएंगे तो ये ऐसे खुलेगा, ठीक है, यानी कि एंगल बढ़ेगा, और बढ़ाओ और बढ़ाओ तो और बढ़ेगा, हमने ये कहा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो हम ये कहेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये तो कभी मिलेगा ही नहीं, है ना। अब ये कहेंगे कि फिर तो ये जो लाइन यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन जा रही है ये तो पैरेलल हो जाएगी इसके, इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो वो तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो भाई ये एंगल भी चलता ही जाएगा, तो ये एंगल और मतलब ये वाली जो डॉटेड लाइन और ये जो कंडक्टर है ये दोनों एक तरह से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, और जब पैरेलल हो जाएंगे तो फाइव टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर है, इस एक्स को नीचे खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो ये भी एक तरह से पैरेलल हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो कभी मिलेगा ही। कोई पूछ रहा है कि ऑनलाइन में तो कोई बच्चा को बताइए। अच्छा, तो हम ये कहेंगे कि इस वजह से हमारा फाइव वन और फाइव टू ये दोनों ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, पाई बाई टू हो जाएगी। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है कि फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो इस केस में आप देखिए देखिए, इफ द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ एल, अगर कंडक्टर की लेंथ कुछ फाइनाइट दे रखी है, फाइनाइट लेंथ एल दे रखी है, एंड द पॉइंट पी लाइज ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाईसेक्टर, जो लेंथ और ये जो पॉइंट पी है ये उसके परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट पेज पर ना मैंने ये डायग्राम भी इसका बना रखा है, इस तरह से होगा केस थर्ड। अगर वायर फाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट पी उसके परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पर लाई कर रहा है, क्यू हो गया फाइनाइट लेंथ एल थी, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आधी, तो पॉइंट
सिमिलरली ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी आ गई एल बाय टू, ठीक है। तो और अच्छा ये वाला लेंथ कितना लिया था हमने, ए लिया था, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है थीटा वन और थीटा टू, फाइव और फाइव चलो तो इक्वल हो गया, फाइव ही इक्वल जो इक्वल हो गया, ये एल बाई टू, ये एल बाई टू, ये ए और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, वैसे इस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाले एंगल भी इक्वल फाइव फाइव, तो हम ये कहेंगे फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू फाइव, इक्वल हो गया। अच्छा और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर साइन फाई निकाल लेना है, साइन फाई क्या होगा देखिए, साइन फाई हो जाएगा फाई के साथ बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है एल बाई टू और हाइपोटेन्यूज ये है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर, स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर और इसका अंडर रूट साइन फाई इज इक्वल टू एल बाय टू, ये हो जाएगा अंडर रूट फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर, अंडर रूट के अंदर पूरा का पूरा, और जब आप अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये फोर का तो रूट बन जाएगा ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं एल बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी आ गई एल अपॉन अंडर रूट फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम जब बी निकालेंगे तो हमारे पास क्योंकि फाई वन और फाई टू दोनों ही इक्वल हैं, तो हमारा बी कैसे निकलेगा, बी नॉट आई अपॉन फोर पाई है साइन फाई प्लस साइन फाई, ठीक है। अब ये बता रहा हूँ कि और कोई केस नहीं है, ये बता रहा हूँ बी इज इक्वल टू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए और साइन फाई वन की जगह साइन फाई टू की जगह पर भी साइन फाई प्लस साइन फाई, ये कितना हो गया टू साइन फाई, इसको टू से इसको टू काट दो, यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए, ठीक है, और साइन फाई की वैल्यू रखी गई एल अपॉन अंडर रूट फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फाइनाइट कंडक्टर अगर है हमारे पास लेंथ एल का तो उस केस में, ठीक है जी। चलिए जी, तो इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, और वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैसेज कल चेक कर लेना, हो सकता है कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं, ठीक है ना, तो वो आधे घंटे की या 40 मिनट की होगी, जो बच्चा आना चाहे वो आ सकता है, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ेगा।